ये भारत का सबसे विशाल दरवाजा बुलंद दरवाजा है। लाल और शौकीन बलुआ पत्थर से निर्मित इस दरवाजे का निर्माण तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात में अपनी सैन्य जीत के अवसर पर सन 1575 में किया था। बुलंद दरवाजा हमें शक्ति के उस गढ़ की ओर ले जाता है जिसकी शान शौकत दुनिया भर में मशहूर थी। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल स्थापत्य के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि इसका इतिहास इसके बताए गए काल से भी पुराना है और इसको वीरान छोड़ने की वजह आज भी एक राज है। सन 1571 में निर्मित फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी तत्वों का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। यहां हर इमारत उन कहानियों को अपने भीतर समेटा हुआ है जो आगे चलकर मुगलों के वैभव विलास का हिस्सा बने। आइए आपको इस शानदार जगह से जुड़ी कुछ अनकही बातों से रूबरू कराते हैं। क्या आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी का इतिहास अपने बताए काल से भी पुराना है? हाल ही में हुए पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह को पेंटेड ग्रेवेयर सभ्यता का हिस्सा बताया गया है जिसका काल 1200 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। साथ ही साथ यहां की खोजों ने इस स्थान को शुंग साम्राज्य से भी जोड़ा है जिनका काल 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व था। माना जाता है कि इस जगह का नाम सीकरी सिकरवार राजपूतों ने दिया था जिनका शासन इस क्षेत्र में सल्तनत काल से भी पहले 10वीं शताब्दी ईस्वी में सक्रिय था। दिलचस्प बात यह है कि अकबर से पहले ही फतेहपुर सीकरी पर मुगलों की छाप पड़ चुकी थी। सन 1527 में मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ी गई लड़ाई खनुआ में लड़ी गई थी जो आज राजस्थान के भरतपुर जिले में मौजूद है और सीकरी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि लड़ाई में विजयी होने के बाद बाबर ने यहां एक बाग का निर्माण किया और शुक्रिया अदा करने के सिलसिले में जगह का नाम शुक्री रख दिया था। कई लोग ये नहीं जानते कि फतेहपुर सीकरी के निर्माण के पीछे एक आध्यात्मिक कारण था। सन 1568 में राजस्थान के रणथंबोर से विजयी होकर जब अकबर आगरा की ओर रवाना हो रहे थे तब उन्होंने सीकरी गांव में अपने घर बेटे होने की चाहत से सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से मुलाकात की। बादशाह की दुआ ठीक एक साल बाद कबूल हुई जब उनको बेटा हुआ जिसको चिश्ती के नाम पर औपचारिक रूप से सलीम और प्यार से शेखू पुकारा जाता था। यही बेटा आगे चलकर चौथा मुगल बादशाह जहांगीर बना। बेटे होने की खुशी में अकबर ने उस पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया जहां चिश्ती रहा करते थे। फिर आगरा से उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित हुई। यहां मौजूद दरगाह अकबर के उस सूफी संत के प्रति सद्भाव का साक्षी है। प्रायद्वीप भारत में यूरोपीय ताकतों में सबसे पहले प्रभावशाली पुर्तगाली थे जिनका प्रभाव मुगल दरबार में पहली बार सन 1580 में देखा गया था जब पहला ईसाई पादरियों का जत्था फतेहपुर सीकरी में दाखिल हुआ था। कहा जाता है कि अकबर और इन पादरियों के बीच हुई गुफ्तगु भारत के प्रमुख धार्मिक चर्चाओं में गिनी जाती है। इसके कारण यहां पर पादरियों ने छोटा सा गिरजाघर और एक अस्पताल का भी निर्माण किया जो उत्तर भारत में यूरोपीय शैली में निर्मित पहला अस्पताल था। लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार फतेहपुर सीकरी को पानी की कमी की वजह से वीरान छोड़ा गया था, मगर क्या यह बात सच है? 16वीं शताब्दी के अंत में अकबर ने अपना गढ़ लाहौर में बसाया था जहां से उन्होंने न सिर्फ फारसियों और उज़्बेकों को काबू में रखा बल्कि मुगलिया सल्तनत के प्रभाव को पंजाब के साथ साथ काबुल से लेकर निचले सिंध तक मजबूत किया। लगभग एक दशक से ऊपर वक्त बिताने के बाद अकबर वापस तो आए
मगर वो आगरा में रहे और फतेहपुर सीकरी में नहीं। आज भी इसका कारण इतिहासकारों के बीच एक सक्रिय चर्चा का विषय है। फिर भी फतेहपुर सीकरी एक व्यापार और आध्यात्मिकता का सक्रिय केंद्र रहा, जिसने अकबर के बाद कई मुगल बादशाहों की मेजबानी की। 18वीं शताब्दी में यह जाटों और फिर मराठों के कब्जे में रहा। फतेहपुर सीकरी की अहमियत एक बार फिर सन 1803 में आई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद आगरा को कब्जाया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसको अपनी छावनी बनाई और यहां तक कि यूरोपीय यात्रियों के लिए खाने पीने और ठहरने का स्थान भी बनाया। मगर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां मौजूद इमारतों की मरम्मत की जिम्मेदारी सबसे पहले इन अंग्रेजों ने ही ली थी। आज भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन फतेहपुर सीकरी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक गिना जाता है, जहां सालाना तौर पर लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज यह जगह मुगल शान और नगर नियोजन के महत्वपूर्ण उदाहरणों के रूप में हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध करता है।